नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्नोलॉजी हूँ। आज मैं आपके सामने जियोनी के एलिफ E8 लेके आया हूँ। इस ये जो डिवाइस है, इसका जो बैक कैमरा है वो आपको 24 मेगापिक्सल का है। ये जो डिवाइस है, ये आपको स्मार्ट फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के साथ आता है। ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जो इस डिवाइस की जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको 64 GB की है, और जो रैम है वो आपको 3 GB का रैम है। प्रोसेसर की बात करें तो ये जो डिवाइस है, ये आपको ऑक्टाकोर 2.0 GHz हेलियस X10 CPU के साथ आता है। बैटरी जो इस डिवाइस की है वो काफ़ी हीवी है, वो आपको 3500 mAh की है, जो कि आपको कम से कम 1.5 से 2 दिन अच्छे यूजेज के साथ आपको सपोर्ट करेगी। ये जो डिवाइस है, ये आपको एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप पे चलता है। और जो ये जो डिवाइस है, ये आपको इसकी जो UI है वो आपको एमिगो 3.1, ये एक डुअल सिम 4G डिवाइस है। और इसमें जो स्पीकर्स हैं वो आपको डुअल सिम लगे हुए हैं, जो कि आपको अच्छे साउंड्स देते हैं। और जो इस डिवाइस की जो स्क्रीन साइज है वो आपको 6 inches है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। इस डिवाइस के ठीक ऊपर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक है, ये आप देख सकते हैं। और इस डिवाइस के ठीक नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट एरिया है। इस डिवाइस के राइट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर की विद द पावर बटन, और ये आपको कैमरा बटन है। और ये देखिए, इस डिवाइस के ठीक नीचे आपको स्पीकर है। तो दोस्तों अब मैं इस डिवाइस को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट लुक है। अब हम इस डिवाइस की जो UI है वो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। अब हम सेटिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है। सेटिंग के अंदर सबसे ऊपर एयरप्लेन मोड है, डुअल सिम सेटिंग है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोड है, डेट एंड टाइम, साउंड एंड नोटिफिकेशन है, कंट्रोल सेंटर है, डिस्प्ले है, सिक्योरिटी है, लोकेशन है, पावर मैनेजमेंट है, एडवांस सेटिंग है, और आपको अबाउट फोन है। सबसे पहले हम अब एडवांस सेटिंग में जाकर चेक करते हैं क्या क्या। सबसे ऊपर ये जो डिवाइस है वो आपको स्मार्ट जेस्चर के साथ भी आता है, और सस्पेंडेड ऑप्शन भी है, LED है, स्टोरेज है, अकाउंट ऐप्स। तो स्टोरेज हम चेक करते हैं कितना है। ये देखिए, स्टोरेज जो है इस डिवाइस के अंदर आपको 64 GB की है, और सिस्टम जो है वो 10 GB यूज कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अप्रोक्स आप 52 से 54 GB आप यूज कर सकते हैं जब आप इस डिवाइस को आप परचेज करेंगे। और जो आपको रैम की बात करें तो सिस्टम जो है वो आपको 1.4 GB रैम यूज कर रहा है, ऐप जो है 231 MB, और फ्री जो रैम है वो आपको लगभग देखिए 1 GB की, यानी आप इस गेम पे, इस डिवाइस पे आप बड़े गेम खेल सकते हैं, एसफॉल्ट हुआ या मोर्टल कॉम्बैट हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है। ये अब हम बैक जाते हैं और हम आपको हम अबाउट फोन में दिखाते हैं। ये देखिए, अबाउट फोन एरिया में आप चेक करेंगे मॉडल नंबर जो है यहाँ पे, ये आपको एलिफ E8 शो कर रहा है, तो है। अब हम इससे बाहर निकलते हैं और हम आपको कैमरे के बारे में दिखाना चाहेंगे। कैमरा ये देखिए, ये इस डिवाइस का कैमरा है। अब इसके जो मोड्स है वो मैं आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो मोड्स है, इसके अंदर आपको नॉर्मल है, प्रोफेशनल है, ये देखिए नॉर्मल, प्रोफेशनल, फेस ब्यूटी, टेक टाइम, मैजिक फोकस, फिल्टर, HDR, पैनारोमा, नाइट, पिक नोट, अल्ट्रा पिक्सल, अल्ट्रा पिक्सल और स्मार्ट सेंस, ये सारे इसमें हैं। अब मैं आपको इससे लिए फ्रंट कैमरा से लिया हुआ एक इमेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये फ्रंट कैमरा से ये मैंने एक इमेज लिया है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। मैं इसके पीछे की इमेज में दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ओवरऑल इसका फ्रंट कैमरा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका जो बैक कैमरा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ रही है इस इमेज की। तो मैं इसके जो कैमरे है, इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड भी हुआ इसके इमेज की क्वालिटी से। तो ओवरऑल मैं इसके कैमरे से काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं इसके नोटिफिकेशन एरिया के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके अंदर आप ब्लूटूथ, वाईफाई, डेटा कनेक्शन, कस्टमाइज स्क्रीन शॉट, साउंड, वो वाइब्रेट, एक्सट्रीम मोड, लोकेशन, ये सारी चीज़ें इसके नोटिफिकेशन एरिया में ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, मुझे ये डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा, जो कि जियोनी ने आज इंडिया में लॉन्च किया, एलिफ E8। तो दोस्तों, अब मैं इसका फुल रिव्यू जल्द लेके आऊँगा। तब तक आप टेक्निकल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त और आपके सोशल नेटवर्क साइट में जो जो लोग अटैच हैं वो इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।